जी हाँ प्रेमी भक्तों, आज माँ सरयू के जल में सभी भक्त नहाकर सौगंध खाते हैं तथा प्रभु राम की सलोनी सूरत को दिल में बसाकर सभी भक्त सौगंध खाते हैं और कहते हैं कि आज हम या तो मर के ही वापस जाएंगे या प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करके जाएंगे। अब तो लाखों की भीड़ एकदम से उस ढांचे की तरफ बढ़ने लगी और आगे का हवाला कवि ने इस भजन में बताया है कैसे। मस्जिद पे ढांचे पे चढ़ गए वीर और उस ढांचे ने ढावण लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावण लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावण लागे। और ढांचे पे चढ़ गए वीर गुम्मद ने ढावण लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावण लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावण लागे। क्या हुआ चरण भाई? श्री राम भक्तों ने बिल्डिंग ढांचे की गिराई, ओ श्री राम जय श्री राम की बड़ी ध्वनि सुनाई, देसो मारे भीड़ मंदिर में मचरी आवाज आई, शोर मचावण लागे, जैसे लंका में हनुमान भई आग लगावण लागे, जैसे लंका में हनुमान भई आग लगावण लागे। शाबाश भाई, और क्या हुआ? भाई हर 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 महादेव गूंजे था श्री राम का नारा, देने को बलिदान जुटा हर भगत राम का प्यारा, काफिला सारा तोड़ फोड़ हुई सुरोठी के बजरे थे पौने बारा, जब ढांचा ढाया जा रहा रे, जब ढांचा ढाया जा रहा रे, मन में खुशी मनावन लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावन लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावन। गुम्मद ठीक दो बजे तोड़ के तड़े गिराई,
भक्तों ने दहाई। अरे खाई कसम निभावेंगे रे, खाई कसम निभावेंगे हम दोष दिखावन लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावन लागे, जैसे लंका में हनुमान जी आग लगावन लागे। मंदिर के ऊपर ढांचे का हाल बेहाल हुआ था, तीसरी गुम्बद टूटी जब वो कुतरिस्ताल हुआ था। वो कोसिंदर प्रतिकाल हुआ था, कोसिंदर प्रतिकाल भगत फिर नाचन गावन लागे, जैसे लंका में लगावन लागे।